बात कीजिए, अगर ऐसी चलता रहा तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। अभी तो ये जिले में हो रहा है, लेकिन हरेसमेंट देने के वास्ते ये 3 दिन हो गए तो भी अभी ईडी कंप्लीट इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं कर रहे। 4-4 साल देश में जेल में रहे सो लोग हैं। ये ईडी से आईटी से हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कुर्बानी दिए देश के वास्ते, बीजेपी में ऐसे कौन है कुर्बानी दिए वाले देश के वास्ते। 90 करोड़ रुपीज वो भी 35 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। हमारी पार्टी के लोग हम ही देने के बाद हम ही उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। ये बहुत दिन नहीं चलेगा, कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर कैसा करोगे आप लोग, ये भी सोचो आप। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ आज गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई थी तिम्मापुरी से डीसी ऑफिस तक। वो इसलिए रखी गई थी, हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को जो मुसलसिल 3 दिनों से ईडी ऑफिस में बुलाकर 30 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर कल बुलाया गया है। और उसके अलावा AICC ऑफिस में घुसकर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको अंदर जाकर मारने के वजह से ये स्ट्राइक रखी गई थी। ये स्ट्राइक हम इसलिए रखे हैं, ईडी अगर पूछना चाहती है तो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई FIR नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, आज तक कोई FIR नहीं है। बगैर FIR के आप बुलाकर 30-30 घंटे हमारे नेता को बुलाकर वहाँ बिठा रहे हैं, ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको करना है कि FIR कीजिए, FIR कर बुलाइए हमारे नेता को, आकर नेता बुलाकर हमारे नेता आकर आपको पूरा देंगे। बगैर FIR के आप 30-30 घंटे बुलाकर ऑफिस में बिठा रहे हैं, ये क्या है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर कैसा करोगे आप लोग, ये भी सोचो आप। मगर ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये डरने वाले लोग नहीं है। ये क्या है, नेशनल हेराल्ड केस है क्या? ये नेशनल हेराल्ड केस 1938 में जब आज़ादी का जब पीक टाइम था, जब आज़ादी मिलने पर जब लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा था, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज नहीं मिल रहा था, तो एक नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर हमारे जो कांग्रेस के जब वहाँ के नेता थे वो लोग नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर निकाले थे, उसके चेयरमैन नेहरू जी थे। उसके अलावा तमाम जितने भी वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो लोग मेंबर थे, उसके लिए पूरे देश विदेश में ये जा रहा था। तो उसके बाद 1945 में इसको बंद कर दिया गया, जाने के बाद इसको ये बोला गया है कि ये न्यूज़पेपर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बोल रहा है, इसको बंद कर दो। फिर गांधी जी खुद आकर रोड पे आकर सत्याग्रह करने के बाद ये लोग आकर यानी इसको चालू किए हैं। तो ये नेशनल हेराल्ड है जो देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर जो प्रचार किया हुआ है तो यही नेशनल हेराल्ड पेपर से प्रचार हुआ है। तो ऐसे पेपर को आप न्यूज़ चैनल वाले हैं बताइए, आप अगर कोई अच्छा सच्चाई बता रहे हैं, अगर कोई अनहोनी हो रही है, देश के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर आप बता रहे हैं तो आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा बताइए आप। ये नेशनल हेराल्ड चलते चलते क्या हो गया, बीच में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपीज़ दिया गया है, 90 करोड़ रुपीज़ वो भी 35 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। वो हमारी पार्टी के लोग हम ही देने के बाद हम ही उसमें भ्रष्टाचार करेंगे, ये शर्म की बात है, ये बीजेपी को शर्म की बात है, RSS को शर्म की बात है। अगर ऐसे ही तुम करते जाएंगे तो ये हिंदुस्तान में हर जिले में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आगे चलकर राहुल गांधी के खिलाफ आप वापस ये सब नहीं लेंगे, या अगर आपको करना है तो राहुल गांधी के खिलाफ FIR कीजिए, FIR कर आप बुलाइए, बुलाकर बात कीजिए।
अगर ऐसी चलता रहा तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। अभी तो ये जिले में हो रहा है, हमारे नेता वहाँ पर दिल्ली में लड़ रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय नेता अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी बगैर FIR करे के ऐसे ही दिल्ली में बुलाया गया था, बुलाकर उनको भी ऐसी इंक्वायरी की गई है। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हैं, मगर हम देश में आज़ादी दिलाई सो लोग हैं, चार चार साल देश में जेल में रहे सो लोग हैं, ये ED से IT से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जल्द से जल्द अगर इससे ये नहीं लेंगे तो हम पूरा देश भर चक्का जाम करेंगे। शुक्रिया। BJP गवर्नमेंट जो कांग्रेस वालों को जो तकलीफ़ दे रहे हैं, जो हरेसमेंट कर रहे हैं हमारे लीडर्स को, हमारे लीडर्स राहुल गांधी को ED नोटिस भेज के इंक्वायरी को बुलाए, ED इंक्वायरी ख़त्म नहीं कर रहे, 3 दिन हो गए तो भी इंक्वायरी ख़त्म नहीं कर रहे, क्यों बोले तो ये इंक्वायरी 1 दिन में होना चाहिए था, लेकिन हरेसमेंट देने के वास्ते ये 3 दिन हो गए तो भी अभी ED कम्प्लीट इंक्वायरी अभी कम्प्लीट नहीं कर रहे, अभी भी रखे कितने दिन रखते हैं कि मालूम नहीं, ना मालूम नहीं। ये BJP गवर्नमेंट जो कम्युनल BJP के पीछे जो RSS का जो है पीछे, वो जो बोलता वो करते, क्यों बोलते नरेंद्र मोदी PM नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो BJP RSS क्या बोलते वही कदम पे ये BJP गवर्नमेंट चलाते, क्यों बोले तो ये हमारे देश के वास्ते पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये देश के वास्ते उन्होंने कुर्बानी दिए, हमारे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कुर्बानी दिए देश के वास्ते। BJP में ऐसे कौन है कुर्बानी दिए से वाले देश के वास्ते, कोई भी नहीं। हमारे जो हमारे लीडर्स और कांग्रेस को डीमोरलाइज करने के वास्ते ऐसा इंक्वायरी उन्होंने कर रहे हैं, ये उसका हम खंडन करते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी को 3 दिन इंक्वायरी करें तो क्या कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं, पूरा देश उनके साथ में रहे, कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ में है कांग्रेस, जो भी होता पूरे कांग्रेस हिंदुस्तान के पूरे उन्होंने क्या भी करे तो भी हम कांग्रेस वाले तैयार है उसके लिए फेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो कर रहे हैं हमारा गवर्नमेंट रेस्ट है में ऐसा कभी भी अपोजिशन के वास्ते अपोजिशन लीडर के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं किए, लेकिन ये गवर्नमेंट ये BJP गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही एक एक मसला डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं, इनका क्या है आने के बाद पेट्रोल डीजल गैस और फार्मर्स के ऊपर कितना जुल्म करे, ये गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं डेवलपमेंट नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी रहे तो रिलीजन वाइज झगड़ा कराना, वो इलेक्शन करना, ये करना, एक कम्युनल कम्युनिटी में झगड़ा लगाना, यही काम कर रहे, इसीलिए हम ये BJP का गवर्नमेंट को हम खंडन करते हैं, इसीलिए हमारे राहुल गांधी को जो 3 दिन में इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी भी कितने दिन ED वाले अभी कितने दिन इंक्वायरी करते हैं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी करे तो भी हम कांग्रेस वाले पूरे उसके वास्ते फेस करने के लिए तैयार है, इसीलिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप DC के थ्रू हम मेमोरेंडम देने आए, हम प्रोटेस्ट वहाँ से पूरा हम पादयात्रा में आके आज मेमोरेंडम दिए, उसके वास्ते हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिए इंक्वायरी करके ये गवर्नमेंट को डिसमिस करना बोल के हम फोर डिमांड करते हैं। प्रियंका गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी तुम आगे बढ़ो,